हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर डीके गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, केकेएम कॉलेज जमुई। आज आपके लिए बीए पार्ट टू ऑनर्स पेपर फोर के एक महत्वपूर्ण पाठ पर एक आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका विषय है ब्रिटेन की लॉर्ड सभा। द्वि सदनात्मक व्यवस्था ऐतिहासिक विकास तथा संयोग का परिणाम है, जो ब्रिटिश संवैधानिक विकास की देन है। ब्रिटेन की संसद, जो विश्व की सबसे पुरानी संसद है, को संसदों की जननी कहा जाता है। विश्व के प्रायः सभी लोकतांत्रिक देशों में किसी न किसी रूप में ब्रिटिश संसद का अनुसरण किया है। 1295 1295 ईस्वी की आदर्श संसद के सदस्य तीन वर्गों में विभक्त थे, कुलीन वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग तथा साधारण सदस्य, जिसमें प्रादेशिक प्रतिनिधि अधिकारी वर्ग तथा नगर प्रतिनिधि वर्ग होते थे। व्यवहारिक हितों के कारण इसके दो दल हो गए। एक भाग में कुलीन वर्ग और धार्मिक वर्ग बैठने लगे, जो लॉर्ड सभा कहलाया, तथा दूसरे भागों में सामान्य सदस्य बैठने लगे, जो कॉमन सभा कहलाया। वस्तुतः लॉर्ड सभा की उत्पत्ति नॉर्मन एजीवन काल में मैग्नम काउंसिलम से हुई है। लॉर्ड सभा को ब्रिटेन की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का प्रमुख आधार वंशगत है। ब्रिटेन के रूढ़िवादी लोग लॉर्ड सभा को राष्ट्रीय परंपरा का प्रतीक मानकर उस पर गर्व करते हैं, लेकिन प्रगतिशील विचारधारा के लोग इसका विरोध करते हैं। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश राजनीति में लॉर्ड सभा को लोक सदन से अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, किंतु अब स्थिति परिवर्तित हो गई है और लॉर्ड सभा न केवल द्वितीय वरन द्वितीय महत्व का सदन हो गया है। 1911 ईस्वी और 1949 ईस्वी के अधिनियमों ने इसकी शक्तियां अत्यंत सीमित कर दी। 1958 और 1963 ईस्वी के एक्ट ने इसके संगठन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है रही है। इसके सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे मनोनीत कर सकता है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 709 है, जो इस प्रकार है। राजवंशीय सदस्य, पीयर्स ऑफ रॉयल ब्लड, राजवंश के राजकुमार इस वर्ग में आते हैं, जिसकी संख्या 3-4 होती है, जो अधिवेशनों में भाग भी नहीं लेते। आनुवांशिक सदस्य, हेरिडिटरी पीयर्स, लॉर्ड सभा के 90% सदस्य सदस्यता उत्तराधिकार में पाते हैं। स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि लॉर्ड्स, 1907 ईस्वी के यूनियन एक्ट के अनुसार स्कॉटलैंड के पीयर लॉर्ड्स के लिए 16-17 प्रतिनिधि निर्वाचित करेंगे, लेकिन 1963 के यूनियन एक्ट के अनुसार अभी 31 पीयर लॉर्ड सभा में बैठते हैं। धार्मिक लॉर्ड्स, इस वर्ग में पादरी या अत्यधिक आध्यात्मिक लॉर्ड्स होते हैं, जिनकी संख्या 26 है। ये अपने पद के कारण सदस्य मनोनीत होते हैं। आयरलैंड के प्रतिनिधि सदस्य, 1801 ईस्वी के आयरलैंड यूनियन एक्ट के तहत आयरलैंड को 26 पीयर भेजने का अधिकार दिया गया, लेकिन 1922 में आयरलैंड अलग राज्य बन गया, जिससे इनके सदस्य बनने की प्रक्रिया रुक गई। अब इसके मात्र 5 सदस्य हैं। विधिवेता या न्यायकर्ता लॉर्ड्स, इनकी संख्या 9 है, जो लॉर्ड सभा के आजीवन सदस्य होते हैं। कानूनी ज्ञान तथा अनुभव के चलते ही विधिवेतागण लॉर्ड सभा के सदस्य बनाए जाते हैं। 1876 के अपीलीय क्षेत्राधिकार अधिनियम के द्वारा इन्हें न्याय कार्य में सहायता देने हेतु नामजद किया जाता है। आजीवन सदस्य, लाइफ पीयरेज एक्ट 1958 के अधीन लॉर्ड सभा के लिए आजीवन सदस्यता का प्रावधान किया गया है। अगस्त 1959 में इस प्रकार के 19 पीयर्स थे, जिनमें 4 स्त्रियां थीं, जो अब 7 हो गई हैं। इस एक्ट से पहले स्त्रियों के लिए लॉर्ड सभा का दरवाज़ा बंद था, जो अब खुल चुका है। लॉर्ड सभा के सदस्यों की योग्यता, विशेषाधिकार एवं बंदिशें।
21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, विदेशी या कठोर अपराध में दंडित व्यक्ति लॉर्ड सभा के सदस्य नहीं हो सकती। विशेषाधिकार के तहत लॉर्ड सभा के सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संसद के अधिवेशन के दौरान गिरफ्तारी से छूट मिलती है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्राट से मिलने की आज़ादी होती है, लेकिन वे संसदीय चुनाव में मत नहीं दे सकते तथा कॉमन सभा के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। लॉर्ड सभा का अधिवेशन कॉमन सभा के अधिवेशन के साथ साथ चलता है। इसकी बैठक मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को होती है। लॉर्ड सभा के प्रायः सभी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, इनका निर्वाचन नहीं होता। लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर होता है, जिसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। जब वह सदन की कार्यवाही में भाग लेता है तब उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। वह ब्रिटिश न्यायपालिका का भी अध्यक्ष होता है, काउंटी कोर्ट के न्यायाधीश तथा जस्टिस ऑफ पीस को नियुक्त करता है और हटा सकता है। लॉर्ड सभा के कार्य एवं अधिकार। लॉर्ड सभा की शक्तियाँ सदैव परिवर्तित होती रही हैं। प्रारंभ में लॉर्ड सभा एक शक्तिशाली संस्था था तथा राजनीतिक प्रभाव का केंद्र थी, लेकिन प्रजातांत्रिक युग के आगमन के साथ वह असामायिक तथा असंगत सिद्ध हो गई। इसके बावजूद वह कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपादन करती है, जो इस प्रकार है। पहला है विधायी शक्तियाँ। 1911 ईस्वी के पूर्व विधि निर्माण के क्षेत्र में कॉमन सभा तथा लॉर्ड सभा की स्थिति समान थी तथा दोनों की शक्तियाँ एक प्रकार की थी, लेकिन 1911 ईस्वी के संसदीय अधिनियम के बाद लॉर्ड सभा की विधायनी शक्तियों में ह्रास हुआ। धन विधेयक के अतिरिक्त कोई भी साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयकों के संबंध में यदि लॉर्ड सभा कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृत कर देती है और कॉमन सभा उसे द्वारा पारित कर देती है, तो वह एक महीने के बाद लॉर्ड सभा द्वारा पारित नहीं होने के बावजूद दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाता है। दूसरा, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में भी कॉमन सभा की ही प्रधानता रहती है। धन विधेयक लॉर्ड सभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता। 1911 के अधिनियम के अनुसार यह सर्वप्रथम कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि धन विधेयक कॉमन सभा द्वारा पारित होकर लॉर्ड सभा में जाता है तो लॉर्ड सभा उसे एक माह तक अपने पास रख सकती है। एक माह के बाद लॉर्ड सभा द्वारा पारित हुए बिना भी वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसको प्रमाणित करने का भी निरंकुश अधिकार लोक सदन के अध्यक्ष को है। तीसरा, कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में भी लॉर्ड सभा के अधिकार और औपचारिक हैं। लॉर्ड सभा के कुछ सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के भी सदस्य होते हैं, परंतु मंत्रिमंडल लॉर्ड सभा के प्रति उत्तरदायी न होकर कॉमन सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का निर्णय कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के सदस्य मिलकर करते हैं, और लॉर्ड सभा को मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछने, सार्वजनिक नीति पर वाद विवाद करने तथा निंदा का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। न्यायिक शक्तियाँ। लॉर्ड सभा का न्यायिक कार्य अद्वितीय है। विधायी निकाय के अतिरिक्त लॉर्ड सभा विधि न्यायालय भी है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा और अमेरिकी सीनेट द्वारा महाभियोग की जांच करने, राजद्रोह तथा गुरुतर अपराधों का निर्णय करने का अधिकार था, लेकिन ब्रिटेन के 1948 के अधिनियम द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया। न्यायिक क्षेत्रों में एक दृष्टि से ब्रिटिश लॉर्ड सभा अमेरिकी सीनेट की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। विचारात्मक कार्य। लॉर्ड सभा के सदस्य ख्याति प्राप्त, अनुभवी तथा राजनीतिक दाव पेच में पारंगत होते हैं, इसलिए यह सभा विचारक निकाय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके सदस्य शांतिपूर्ण वातावरण में विभिन्न प्रस्तावों तथा राष्ट्रीय नीति पर खुलकर महत्वपूर्ण वाद विवाद करते हैं। यह सदन वैदेशिक नीति पर स्वतंत्र एवं पूर्ण विचार का अवसर प्रदान करती है। अभी कभी कभी लॉर्ड सभा के वाद विवादों का स्तर लोकसभा के वाद विवाद से भी उच्च स्तर का होता है। संवैधानिक महत्व। इन खामियों के बावजूद लॉर्ड सभा की उपयुक्तता तथा महत्व को से इनकार नहीं किया जा सकता। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति के दृष्टिकोण से लॉर्ड सभा
लोकसभा दुनिया का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है। यद्यपि वह सदन भारत और फ्रांस के द्वितीय सदनों के समान है, फिर भी इन दोनों का महत्व अधिक है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस आदि के द्वितीय सदनों के समक्ष इसकी शक्तियाँ नगण्य तथा व्यर्थ है, फिर भी लोकसभा ब्रिटिश संसद का एक अभिन्न अंग है। वस्तुतः आज इसका अस्तित्व इसलिए है कि अंग्रेजी जाति परंपरावादी तथा रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं। धन्यवाद।